all governments should focus and give priority to farmers, their welfare. I am not talking of politics. हमेशा डायलॉग होते रहना चाहिए सरकार और किसानों के बीच में, और किसानों का समस्याओं को राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। आपने राजनीति के साथ उसको जोड़ा, मैं अनुभव से बता रहा हूं, मैं भी खुद किसान का बेटा हूं, किसान आंदोलन बहुत आंदोलन को मैंने भी नेतृत्व किया है। जब आप इसको राजनीति के साथ जोड़ेंगे, लाइक अंग्रेज में कहता है ना वोट ऑफ थैंक्स, मैंने आजकल चेंज करवाया, नो वोट ऑफ थैंक्स, ओनली वर्ड्स ऑफ थैंक्स। द मोमेंट यू टॉक अबाउट वोट, डिवीजन हो जाए। अभी राजनीति आया, क्या हो रहा है आप लोग देख रहे, राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक दलों का सम्मान होना चाहिए। उनका मैनिफेस्टो में वो क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, स्पष्ट रूप में लिखना चाहिए, बाद में उसका आचरण भी करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और लोगों को हक होना चाहिए, सर आपने क्या लिखा, क्या कर रहे, क्या कहा, क्या क्या कर रहे। मगर परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए, न्यू आइडियाज, वर्ल्ड इज ओपन अप नाउ, पूरा दुनिया खुल गया। मेरा बचपन में मैं अनुभव करते थे, हम लोग आंदोलन भी करते थे, देश में पूरा देश में एक ही मार्केट होना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन क्या है, आंध्र का चावल तमिलनाडु में बेच नहीं सकते, ये क्या तरीका है, पूरा देश वन फूड जोन। आई रिमेम्बर दोज डेज, मुरारजी भाई, देवीदास जी, चरण सिंह जी, ऐसा सब महानुभाव ने मिलकर अटल जी देश को वन फूड जोन बनाया, वन फूड पूरा देश को, नो रिस्ट्रिक्शन एनीवेयर। ये बहुत जरूरी है, देश के हित में है और किसानों के हित में है, मैं बता रहा हूं।